दोस्तों तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य कहलाया गया था। वैसे तो तेलंगाना में पर्यटकों के लिए काफी कुछ घूमने को है, पर मुख्य रूप से हैदराबाद और मेडक ने राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है, क्योंकि आप जब यहाँ पर आएंगे तो कहीं बर्फ में खेल सकते हैं, कहीं विचित्र प्रकार की गाड़ियां देख सकते हैं, तो कहीं फिल्मों के बनने की हर एक प्रक्रिया को समझ सकते हैं और कहीं ऊंची ऊंची खतरनाक वाटर स्लाइड्स का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी, सुधाकार म्यूजियम, चिलकुर बालाजी मंदिर, मक्का मस्जिद जैसी कई सारी चीजें हैं जो तेलंगाना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। ये राज्य अपने आप में एक समृद्ध राज्य है और सिर्फ पर्यटन में ही नहीं बल्कि विकास के मामले में भी भारत के अग्रिम राज्यों में से एक है। इसलिए आज हम तेलंगाना राज्य के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये कहां पर बन रहे हैं, किस मकसद के लिए बन रहे हैं और इनकी डिटेल क्या है, आगे हम ये सब जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में हैदराबाद की फेवरेट डिश का नाम जरूर लिखें। नंबर 10, हैदराबाद रीजनल रिंग रोड। दोस्तों ये रिंग रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक अपकमिंग प्रपोज्ड एक्सप्रेस वे है। ये एक 4 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई है 340 किलोमीटर। ये रोड संगा रेड्डी, तूप्रान, चोटुप्पल, अमंगल और शंकरपल्ली शहरों को जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत 2 भागों उत्तरी और दक्षिणी में डेवलप किया जाएगा। इस रीजनल रिंग रोड का अलाइनमेंट 158 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड से लगभग 30 किलोमीटर दूर चलेगा। ये रोड कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जोड़ेगा जिसमें NH44, NH164, NH65, NH765, NH63, SH1 और SH19 शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 17,000 करोड़ बताई जा रही है। इसके नदन हाफ हिस्से की लंबाई 164 किलोमीटर है जिसकी लागत 9,500 करोड़ रुपए है, जबकि सदन हाफ हिस्से की लंबाई 182 किलोमीटर है और लागत 6,480 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल इसकी DPR पर वर्क जारी है और DPR कंप्लीट होने के बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 9, विजयवाड़ा नागपुर एक्सप्रेस वे। दोस्तों नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे 405 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस वे है। इस एक्सप्रेस वे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया। ये एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपग्रेड वाला एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरेगा जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत डेवलप किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का मकसद माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और बंदरगाह कनेक्टिविटी के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्यूटी मोड के तहत डेवलप किया जाएगा और इसकी कुल अनुमानित लागत 14,666 करोड़ बताई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के मेजर सेक्शन की DPR कंप्लीट हो रही है जबकि भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरी अप्रूवल के अलग अलग फेज में हैं और इस परियोजना को 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। कुछ ऐसी उम्मीद हमें आपसे भी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 8, वारंगल मेट्रो। दोस्तों वारंगल मेट्रो जिसे मेट्रो न्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में वारंगल, काजीपेट और हनमकोंडा के लिए प्रपोज्ड है। ये एक 17 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसकी अनुमानित लागत 1100 करोड़ रुपए है। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक बस कोच का उपयोग किया जाएगा जो 25 मीटर लंबे और रबर के पहियों पर चलते हैं। ये कोच एलिवेटेड हिस्सों पर एक ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम से बिजली लेंगे और रोड सेक्शन पर संचालन के दौरान बैटरी पावर का यूज करेंगे। ये कोच एक समय में अधिकतम 250 यात्रियों को कैरी कर सकेगा। वर्तमान में इस परियोजना के प्रस्ताव और मार्ग को TSRTC, पुलिस, परिवहन, NPDCL जैसे दूसरे हितधारकों के इनपुट के साथ GWMC द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है और अंतिम रूप देने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। नंबर 7, हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग 687 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस वे है। ये 4 लेन सेमी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे भारत के 3 राज्यों को कनेक्ट करेगा। इसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। इस ब्राउनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत किया जा रहा है।
इस परियोजना में इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए अलग अलग चार लेन अपग्रेड हाईवे की एक श्रृंखला शामिल है। अप्रैल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मुताबिक इसका 242 किलोमीटर लंबा रूट कंप्लीट हो चुका था, जबकि 377 किलोमीटर लंबा रूट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। इस प्रोजेक्ट को EPC मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसे 2025 तक कम्प्लीट करने का प्लान है। नंबर 6, एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो। दोस्तों, ये प्रपोज्ड सेमी हाई स्पीड रेल लाइन हैदराबाद मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, जो शमशाबाद में माइंड स्पेस जंक्शन और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 10 स्टेशनों के द्वारा जोड़ेगी। 31 किलोमीटर की लाइन हैदराबाद मेट्रो फेज 2 परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे फंडिंग तेलंगाना सरकार और एग्जीक्यूट HAML द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की DPR DMRC द्वारा 2018 से 19 में तैयार की गई। इसकी आधारशिला दिसंबर 2022 में रखी गई और इस लाइन के 2030 में पूरा होने की उम्मीद है। इस लाइन में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वाली 3 कोच वाली ट्रेनें होंगी और इसे 6,250 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेट किया जाएगा। इस लाइन के स्टेशनों में माइंड स्पेस, राय दुर्ग, बायोडाइवर्सिटी, नानक रामगुड़ा, नरसिंगी, TSPA जंक्शन, राजेंद्र नगर, शमशाबाद जंक्शन, एयरपोर्ट कार्गो और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल शामिल हैं। नंबर 5, सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट। तेलंगाना राज्य में सुपर थर्मल पावर प्लांट एक कोयला आधारित पावर प्लांट है, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके पहले फेज में 1600 मेगावाट की बिजली क्षमता, जबकि पूरी तरह से कम्प्लीट होने पर 4000 मेगावाट की क्षमता तक करना है। इसे करीमनगर जिले के रामागुंडम गांव के पास करीब 235 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का कोयला आधारित पावर प्लांट है। इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण 2 फेज में किया जा रहा है। इसके पहले फेज में सुपर क्रिटिकल तकनीक वाला 1.6 गीगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट शामिल है, जबकि दूसरे फेज में 3800 मेगावाट इकाइयों को शामिल करके परियोजना में 2.4 गीगावाट जोड़ा जाएगा। ये परियोजना NTPC द्वारा लगभग 118 अरब रुपए के निवेश के साथ विकसित की जा रही है, जिसे साल 2023 में कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 4, नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, जिसे नागपुर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है, जो 6 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है 1100 किलोमीटर। इसे भारत में बनने वाले सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक माना जाता है। ये एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दूरी तो कम होगी ही, साथ ही यात्रा में लगने वाला समय भी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के 2 सेक्शन हैं, जिसमें पहला सेक्शन नागपुर से हैदराबाद वाला सेक्शन है, जबकि दूसरा सेक्शन हैदराबाद से बेंगलुरु वाला सेक्शन है। इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 35,000 करोड़ बताई जा रही है और इसे 2030 तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3, नेशनल वाटरवे 4। दोस्तों, भारत में पानी के रास्ते कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए जलमार्ग या वाटरवे डेवलप किए जा रहे हैं। नेशनल वाटरवे 4 उन्हीं जलमार्ग में से एक है। ये एक 1095 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। ये जलमार्ग भारत के 3 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को कनेक्ट करेगा। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कोरोमंडल तट के साथ साथ काकीनाडा, एलुरु, कोमानूर, बकिंगम नेरो और साउथ इंडिया में कृष्णा और गोदावरी नदियों के हिस्सों से होकर गुजरता है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को 24 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2006 के प्रावधानों के तहत अनाउंस किया गया था। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़कर नेशनल वाटरवे 4 की लंबाई 1095 किलोमीटर से बढ़ाकर 2,890 किलोमीटर कर दी है। ये परियोजना अक्टूबर 2017 में 3 फेज में शुरू की गई, जिसके फेज 1 को 2019 तक कंप्लीट किया गया था। इस राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को 4 मेजर कार्गो बेल्ट में बांटा गया, जिसमें काकीनाडा बेल्ट, कृष्णा बेल्ट, साउथ आंध्र प्रदेश बेल्ट और चेन्नई बेल्ट शामिल है। बेपकोस द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार इस प्रोजेक्ट की मदद से हर साल 11 मिलियन टन कार्गो की ढुलाई की उम्मीद है। नंबर 2, हैदराबाद फार्मा सिटी। दोस्तों, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित हैदराबाद फार्मा सिटी, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाने के इरादे से प्रपोज किया गया था, इसे अभी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है।
इस प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद शहर को इसके अनुकूल स्थान, परिवहन अवसंरचना और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुना गया था। इस परियोजना के लिए 19,333 एकड़ जमीन की जरूरत है और इसका एस्टिमेटेड बजट 16,395 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के तहत अनुमानित निवेश 64,000 करोड़ रुपए और अनुमानित वार्षिक निर्यात 58,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की मदद से 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस परियोजना का टारगेट एक इंटीग्रेटेड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें NIMZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक फार्मा यूनिवर्सिटी, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और एक लिविंग टाउनशिप शामिल है। नंबर 1, हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। दोस्तों, मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल परियोजना एक प्रस्तावित 767 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जोड़ता है। इस लाइन में कुल 11 स्टेशन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें BKC मुंबई, नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, कुरुकुंभ, अकलुज, पंडरपुर, सोलापुर, कालाबुरागी, जहीराबाद और हैदराबाद शामिल हैं। दोस्तों, ये कॉरिडोर भारत सरकार द्वारा चुनी गई 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 5वां हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। इस प्रोजेक्ट की मदद से दोनों शहरों के बीच यात्रा में लगने वाला समय 15 घंटे से घटकर 3.5 घंटे का रह जाएगा। इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। तो दोस्तों, ये थे तेलंगाना के 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको ज्यादा इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। जय हिंद।